बीते लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तब ये कहा गया कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा हुआ है। ये बात दिखी भी, क्योंकि जब सरकार का गठन हुआ, मंत्री पद बटे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं सरकार में, उसमें नीतीश कुमार के बढ़े हुए कद या उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की जो भूमिका केंद्र की सरकार में है, उसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। अब जनता दल यूनाइटेड चर्चा में है आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के। झारखंड में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी वहाँ जो विपक्षी गठबंधन है, मतलब जो मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार है, उसकी जगह अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी विधानसभा चुनाव में, और एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि जो विपक्षी गठबंधन झारखंड का है उसका विकल्प केवल बीजेपी हो सकती है। इसके लिए अभी से तैयारियां भी वहां दिख रही हैं, और जो जिम्मेदारी मिली है जिन नेताओं को झारखंड विधानसभा चुनाव की, उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा भी हैं जो लगातार वहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है जनता दल यूनाइटेड की। जेडीयू झारखंड विधानसभा के चुनाव में पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुका है, और अब एक बार फिर जेडीयू ने वहां अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, या यूं कह लीजिए कि जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली में जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उसमें भी ये प्रस्ताव पास किया गया था, और अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, उनसे मुलाकात की है, झारखंड के जेडीयू के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है। जो प्रभारी हैं श्रवण कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी उस बैठक में मौजूद रहे हैं, और पिछले दिनों जो बीजेपी के कभी बड़े नेता हुआ करते थे झारखंड में सरयू राय, उनकी भी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी, और ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के साथ ही सरयू राय विधानसभा चुनावों के दौरान दिखेंगे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ बीजेपी वहाँ सभी सीटों पे, जो दूसरे उसके एलाइज हैं आजसू और दूसरे जो घटक हैं, उनके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन जेडीयू भी इसमें अपनी तरफ से दावेदारी कर रहा है। जेडीयू की तैयारी या दावा जो कह लीजिए, वो 11 विधानसभा सीटों पर है। श्रवण कुमार जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके पहले जनता दल यूनाइटेड ने कभी भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने में झारखंड में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार उनकी दिलचस्पी ये है कि वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब एनडीए कैंप से ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये अलग बात है कि 11 सीटों को उन्होंने चिन्हित किया है जहां वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने उम्मीदवार चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि बीजेपी कैसे इसको एंटरटेन करेगी, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जेडीयू ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है कि उनके बगैर मतलब उनकी पार्टी के बगैर जो नतीजे हैं वो देने में जो सहयोगी हैं वो उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि बिहार में जो दिखा शायद इसी तरह का मैसेज झारखंड में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि बिहार से बाहर जनता दल यूनाइटेड जहाँ कहीं भी चुनाव मैदान में उतरा, चाहे दिल्ली में उतरा हो, चाहे झारखंड में उतरा हो, या नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी जो नतीजे आए उनको अगर आप छोड़ दीजिए जो अपवाद हैं, तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू वहाँ 11 सीटों पर दावेदारी कर रहा है। प्रेशर की टेक्निक भी कही जा सकती है अलायंस पॉलिटिक्स में इसे, लेकिन हाँ नज़र सबकी झारखंड पे है, तो झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए मजबूरी होगी, ये भी सवाल है, या फिर नीतीश कुमार के साथ से बीजेपी को वहाँ फायदा होगा, ये भी एक सवाल है। अब इसका जवाब तो जैसे जैसे झारखंड चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी या जब चुनाव की घोषणा होगी, ये चीज़ें और चर्चा में आएंगी, इसमें और तेज़ी आएगी, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जेडीयू ने अपनी तरफ से जो झारखंड इलेक्शन पॉलिटिक्स का कार्ड है वो एनडीए के अंदर खेल दिया है। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि इस बार हम सहयोगी की भूमिका में ना केवल बिहार में बल्कि झारखंड में भी होंगे, मतलब जेडीयू बीजेपी के एलाई के तौर पे होगा वहाँ पे भी, और अकेले अलग होकर के चुनाव लड़ने में जेडीयू की दिलचस्पी जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। मतलब ये भी कि अगर आप यानी बीजेपी ने
बिहार में नीतीश कुमार के साथ के बूते इतनी सीटें हासिल की हैं, तो इसी तरह की स्थिति जो है वो झारखंड में हो और वहाँ पर बीजेपी के बूते जो जेडीयू है वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए या कम से कम उसका झारखंड विधानसभा में खाता खुले, ये एक मिशन लेकर के फिलहाल जेडीयू आगे बढ़ रहा है। नीतीश का ये दांव है और नीतीश के इस दांव को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी उनके पार्टी के नेताओं को दी गई है। अब देखना होगा बीजेपी कितनी सीटों पे उनको तैयार कर पाती है, क्या 11 सीटें देना मुमकिन होगा बीजेपी के लिए, जो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिलहाल झारखंड को लेकर के बिहार में जो एनडीए की राजनीति है वो एक नई दिशा में जाती हुई दिख रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीबालम के साथ शशिभूषण, चुनाव आज तक, पटना।